क्योंकि जिस तरह के रोज छन छन के खबरें आती है, पहले पीएमसी बैंक के अंदर प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर कहा जाता है एचडीआईएल एक एसोसिएटेड कंपनी है, फिर पता लगता है पीएमसी बैंक और एचडीआईएल के डायरेक्टर एक है, फिर पता लगता है इन सब डायरेक्टर्स में से जो डायरेक्टर एक है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और अब अगर उनको हम यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये इंक्वायरी पूरी नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर शुड गिव ए वाइट पेपर टू ऑल ऑफ अस कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन पीएमसी बैंक, क्योंकि इससे देश को एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है बैंकिंग सेक्टर। वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी देखा, एक महिला मोदी जी की तस्वीर में उनके पांव पड़ के हाथ जोड़ के अपने आंसू उनकी चरणों में डाके रो रही है कि ऐसा मैंने क्या गुनाह किया मोदी जी आपको वोट देके कि मैं मेरे खाते से पैसे नहीं निकाल सकती। वो आप सब लोगों ने देखी होगी, पर देश बार बार उनसे पूछना चाहता है कि जो 12 निदेशक जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीएमसी के 12 निदेशक भारतीय जनता पार्टी से रिलेशन है, जिनमें से एक निदेशक जो 13 साल से बैंक में निदेशक है, भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के एमएलए का पुत्र है मुलुंद से, उनकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप तो नहीं है रेस्पॉन्सिबल, पर बोर्ड तो है ना रेस्पॉन्सिबल। व्हाट एक्शन बोर्ड है टेकन, इसके तहत बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड है हम कांग्रेस पार्टी की। नंबर वन, एक तो विड्रॉल लिमिट पूर्णता समाप्त की जाए, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे, इससे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आप क्या क्रिएट कर पाओगे। आए दिन आप अखबार खोलिए, अखबार में आता है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक अब बंद होने वाला है, और रोज जिस तरह के र्यूमर्स है लोग मतलब परेशान है। आप पहली बार तो रोजगार नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं, छोटा मोटा पैसा बुरे समय के लिए बैंक में रखा था उसको निकाल नहीं सकते। ये तो न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया सोच के तो भारत के नए लोगों ने आपको मोदी जी और वित्त मंत्री जी अपना आशीर्वाद नहीं दिया था।